केरल में धर्मांतरण पर बनी फिल्म द केरल स्टोरी 5 मई को जब से सिनेमाघरों में रिलीज हुई है तभी से फिल्म को लेकर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। फिल्म में दिखाया गया है कि केरल में कैसे एक समय पर हिंदू और ईसाई लड़कियों का जबरन इस्लाम में धर्म परिवर्तन करा के उनको ISIS में भर्ती किया गया, जहाँ उनके साथ रेप जैसी घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया गया। द केरल स्टोरी फिल्म को मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है। उनका कहना साफ है कि फिल्म को राज्य में टैक्स फ्री करने का मकसद है फिल्म को ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। वहीं मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी फिल्म को UP में टैक्स फ्री करने का ऐलान कर दिया। CM योगी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। 12 मई को CM योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस फिल्म को देखेंगे। फिल्म को लेकर यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। कि द केरला स्टोरी को हम टैक्स फ्री करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश के लोग इसको देखें और समझें कि हिंदुस्तान के दूसरे भूभाग में किस ढंग से हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, और सतर्कता बढ़ते हुए अपने परिवार को, अपने संस्कारों को, अपने बच्चों को संभालें। और बहुत अच्छा निर्णय है और हम बहुत अभिनंदन करते हैं केरला जो स्टोरी पिक्चर है, जिनको बनाने वालों को, उनके निर्माता निर्देशक को बहुत बहुत बधाई। हाँ, देखेंगे, जैसे ही चुनाव प्रचार से बंद होगा हम लोग देखेंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तुष्टिकरण के तहत हो रहा है और आप अच्छी तरह जानते हैं कि प्रदेश की जनता, देश की जनता कभी इसको स्वीकार नहीं करेगी। तो देखा आपने, एक तरफ जहां BJP शासित राज्यों में द केरल स्टोरी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया, वहीं पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने बीते दिन जब से पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन करने का ऐलान किया है तभी से उनके इस फैसले की हर तरफ आलोचना की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य में द केरल स्टोरी के बैन को लेकर एक अधिसूचना जारी की। उन्होंने इसके पीछे का कारण राज्य में शांति व्यवस्था न बिगड़ने पाए इसको बताया। ममता बनर्जी ने फिल्म को लेकर BJP पर आरोप लगाते हुए कहा कि BJP द केरल स्टोरी नाम की फिल्म दिखा रही है जिसकी कहानी मनगढ़ंत है। इसके अलावा BJP सरकार मनगढ़ंत और गलत कहानी वाली बंगाल फाइल्स बनाने के लिए फिल्मकारों को पैसे दे रही है। ममता बनर्जी के राज्य में फिल्म को बैन किए जाने के बाद पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने ममता बनर्जी पर राज्य को ISIS और इस्लामिक राज्य बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी मंशा है कि पश्चिम बंगाल इस्लामिक राज्य बन सके, लेकिन इसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगी हुई है कि इसको ISIS स्टेट बनाने के लिए, इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इसमें लगी हुई है, इसलिए ये काम वो कर रही है और इसके खिलाफ हमारी लड़ाई जारी है। कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो लोग हवाला देते थे वो लोग आज शुतुरमुर्ग की तरह मुंह मिट्टी में छिपाए हुए हैं, सैंड में मुंह पूरा घुसा के बैठे हुए हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा गया, एक बंगाली का बनाया, डायरेक्ट किया हुआ फिल्म, सुदीप तो सेन ने इसको डायरेक्ट किया, बंगाली लड़का है, आज उसका फिल्म बैन करके ममता बनर्जी ने अपना जो विचारधारा है, अपना जो टारगेट है वो दिखा दिया। और बंगाल के लोगों को ये पता चलना चाहिए, हर बंगाल के लोगों को ये फिल्म देखना चाहिए। ममता बनर्जी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है, अपने दुधेल गाय जिसे बोलती है उनको खुश करने के लिए कर रही है। फिल्म द केरल स्टोरी को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि फिल्म रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है और ये जन जागरण का काम कर रही है, समाज में जो कुरीतियां हैं उन्हें समाप्त करना जरूरी है। काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी हैं और मैं इस तरीके की चीज़ों को 90 के दशक से फॉलो भी कर रही हूँ, तो ये वही चीज़ें हैं जो हम बिना नाम के पढ़ा करते थे कि ऐसा वैसा हो रहा है, और 2-4 नाम आ रहे थे जिसमें बंगाल से भी कुछ नाम थे, कुछ लड़कियों के नाम थे जिनकी बाद में मौत भी हुई। तो ये जो स्टोरी है ये रियल लाइफ स्टोरीज के ऊपर आधारित है और एक तरीके से देखा जाए तो जन जागरण का काम कर रही है कि समाज में कुछ कुरीतियां आ गई हैं और उन कुरीतियों को समाप्त करना आवश्यक है, जिसमें से लव जिहाद एक है। प्रोपेगेंडा किस चीज के लिए है ये तो पूछिए उनसे, उनसे पूछिए कि क्या ऐसा चल नहीं रहा। मैं आपको आंकड़ों के साथ बता सकती हूँ और आंकड़े फिल्म में भी दिए हैं, जहाँ पे सिंगल लड़कियां जिनके घर परिवार में एक इकलौती बेटी होती है, जमीन जायदाद जो है लड़की की ही होनी है माता पिता के बाद, केरल में सबसे ज्यादा उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है। आपको बता दें कि UP और MP में फिल्म के टैक्स फ्री होने के बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर बिहार में भी द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग की है, जबकि पश्चिम बंगाल देश में ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां फिल्म द केरल स्टोरी को बैन कर दिया गया। इसके बाद फिल्म के प्रोड्यूसर विपिल अमृतलाल शाह और डायरेक्टर सुदीप्तो सेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन होने पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि ये राज्य सरकारें
और राजनीतिक पार्टियां फिल्म का विरोध क्यों कर रही हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म को पहले से ही हरी झंडी दिखा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।